सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ का यह बयान मध्य प्रदेश में हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर इस बयान की चर्चा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसी बयान से नाराज होकर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे। अब भले ही समाजवादी पार्टी के एक भी उम्मीदवार ना जीते हों, लेकिन वो कांग्रेस की हार की वजह जरूर बन गए हैं। तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है, जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। अखिलेश पर कमलनाथ के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके पर फोकस किया। यहाँ खुद अखिलेश यादव ने कई रैलियां की, डिंपल यादव ने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। इसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट ने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। कुछ कुछ यही काम बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी किया। बुंदेलखंड में बीएसपी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक सीट पर चुनाव जीती थी, लेकिन 5 सीट पर वो रनर अप थी। इसी प्रदर्शन के आधार पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 6 सीट मांग रही थी। इसी मांग को कमलनाथ ने साफ तौर पर खारिज करते हुए छोड़ो अखिलेश बखलेश वाला बयान दिया था। अब नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी का कहना है कि कमलनाथ का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, उन्होंने अखिलेश का अपमान किया था, इसलिए उसे चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की वजह समाजवादी पार्टी को बताया है। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।